गांधी पे बहुत कुछ लिखा गया है, गांधी वादी लोग लिखते हैं, गांधी का क्रिटिक राइट से भी आता है, लेफ्ट से भी आता है, लेकिन और इतिहासकार तो खास तौर से गांधी को पढ़ने पढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक मूलभूत प्रश्न जो हमेशा सामने आता है जब हम लोग इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी इतने पॉपुलर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ कि उस जमाने में उस संदर्भ की मैं बात कर रही हूँ कि गांधी ने लोगों को बाहर निकाला, यही तो उनकी यही वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, क्यों और कैसे किया इसके बारे में हम लोग अगर सोचें तो कई कारण लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने धर्म की को चुना, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपने आत्मबल पर किया, लेकिन ये जो है ये जो सोचने की बात है कि वो इतनी पॉपुलर, इतनी लोग, इतनी हृदयग्राही आज के संदर्भ में लगता नहीं है, लेकिन अगर आप वो किताबें पढ़ें पर्टिकुलरली जो प्यारे लाल जी एक थे उनके साथ डायरीज हैं उनकी, तो समझ में आता है। और धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगी तो मैंने अपने एमए में दो पेपर गांधी पे लिखे, फिर मेरा जब इंटरव्यू हुआ एलएसआर में वहाँ भी मुझ पे गांधी पर प्रश्न किया गया, और जब मैं पढ़ाने लगी मैं बताऊँ अध्यापन के दौरान मुझे समझ में आने लगा किस तरह से बच्चों के मन में, क्योंकि जो जब मैं शुरू में पढ़ाती थी तो बच्चे पढ़ के आते थे गांधी के बारे में और थोड़ा सा उनको बोरियत लगती थी, अरे ये तो हमको सब मालूम है उन्होंने क्या क्या सविनय अवज्ञा ये सब आंदोलन किए, और गांधी की महानता पर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा सब लोगों के मन में रहता था। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम गांधी को एक लोकप्रिय नेता और एक नैतिक क्या कहते हैं मापदंड रखने वाले नेता के तरह देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि उनका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। आप सोचिए कि अंग्रेजों का राज है, उस समय अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे आपको नौकरी नहीं मिलती थी, आपको जेल में भेज दिया जाता था, आपके परिवार जनों पर भी मुसीबतें आती थी। तो इस तरह के माहौल में गांधी ने जब वहां से आए अफ्रीका से, उन्होंने साउथ अफ्रीका से आने के बाद ट्रेन पर सफर किया थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, और उन्होंने क्या कहा कि भारत में लोग डरे हुए, लोग डरते हैं और इस डर को खत्म करना है। आप उनकी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, और डर को कैसे हटाया जाए यही उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से लोग जो पहले बाहर आने में डरते थे आखिरकार जेल जाने को प्रस्तुत हुए। जेल जाना आसान काम नहीं होता है, वो मुश्किल काम था, और बाद में आखिर में जब अंग्रेज यहाँ छोड़ के जा रहे थे तो जो लोग जेल नहीं गए, जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो भी स्वतंत्रता के लिए प्रस्तुत थे, वो लोग चाहते थे कि स्वतंत्रता आए, और उन सबको एकजुट करने का काम मुझे लगता है इस नैतिक राजनीति के द्वारा महात्मा गांधी ने किया। इसीलिए उनको आखिर में महात्मा कहा गया, महात्मा इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस तरह से ये कार्य किया। इसमें कई पहलू हैं, मैं सारे पहलू तो नहीं बोल डिस्कस कर पाऊंगी, लेकिन कुछ विषय तो सत्याग्रह वाली जो बात है, जो आत्मबल प्रेम बल और मन और न्याय बल की बात है, उस उन विषयों के साथ मैं आपसे दो तीन बातें गांधी की उसको फोकस में लाना चाहूंगी। एक तो यह है कि उनका ये दलित, आजकल जिसको हम दलित बोलते हैं, उस विमर्श के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया। ये याद रखिए कि दलित विमर्श के लिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने अस्पृश्यता का शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी देखिए कि तब दलित मूवमेंट नहीं था, दलित मूवमेंट और आंदोलन से आता है, उससे पहले गांधी ने अस्पृश्यता पर जोर दिया। और मैंने जो मैंने कुमाऊं पर काम किया है और मैंने वैसे प्राइमरी सोर्सेज पढ़े हैं जिसमें लोग
आने को तैयार नहीं होते थे क्योंकि वहां पर अस्पृश्य लोगों को भी बुलाया गया। ऐसे वाक्य हैं, लोग चाय नहीं पीते थे और किस तरह से गांधी ने इंसिस्ट किया। कांग्रेस वाले भी हमेशा तैयार नहीं रहते थे ये सब कार्य करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये आप लोगों कम से कम चाय पीना जरूरी है। और सबसे यहां मैं नैतिकता की बात करूंगी, गांधी ने कस्तूरबा को बहुत परेशानी में डाला। आपको मालूम होगा उनके आश्रम में क्या था कानून, आपको अपना लैट्रीन, मैं शब्द लैट्रीन इस्तेमाल कर रही हूँ, बाथरूम नहीं, लैट्रीन से खुद साफ करना होगा। और उस जमाने की लैट्रीन हार्पिक से साफ होने वाली लैट्रीन नहीं हुआ करती थी, उसमें जो मल होता था उसको उठा के अलग जगह ले जाया जाता था, ऐसी लैट्रीन होती थी। तो कस्तूरबा ने कहा ये मैं नहीं कर पाऊ, और उनका नियम था कि जो भी इस आश्रम में आके रहेगा वो ये काम अवश्य करेगा, नहीं तो वह आश्रम में नहीं रह सके। तो उन्होंने कस्तूरबा का हाथ पकड़ के क्या कहा, तुम निकल जाओ, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तुम इस आश्रम में नहीं रह सकते। अब आप इसको सोचेंगे कि एक बहुत उन्होंने बहुत बहुत डिफिकल्ट कस्तूरबा के लिए कर दिया, वो तो एक अपर कास्ट औरत थी, लेकिन कस्तूरबा ने माना। और ये भी सोचिए कि ये एथिक्स की जो बात है ये क्या है, प्रयोग में लाना कि आप जो नियम, आप देखिए भाषण तो हम सब लोग दे सकते हैं अच्छी 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 बातों के, लेकिन वो उस चीज को प्रयोग में लाना, उसको अपनी जीवन शैली में अपनाना, यह सबसे बड़ा सबसे मुश्किल कदम। मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बोलती हूँ लेकिन मैं खुद एसी में बैठ जाती हूँ, मैं खुद हम लोग गाड़ी में चलते हैं, हवाई जहाज का सफर करते हैं, तो हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज करने में करते हैं, तो ये एक हम लोगों का भी तो एक विडंबना है। लेकिन गांधी ने जहां तक हो सके उन्होंने इन सब बातों पर बहुत ध्यान दिया, राइट। तो ये बातें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है इसीलिए लोग उनको मानते भी थे, क्योंकि उनका जीवन पब्लिक प्राइवेट की दोहरी दीवारों में नहीं था, उनका पूरा जीवन प्राइवेट जीवन भी पब्लिक था। उस पर बहुत टीका टिप्पणी है, मैं नहीं बोलूंगी उसके बारे में, बहुत सारे विषय हैं उनके ब्रह्मचर्य का की बात एक्सेट्रा, लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में आप दुनिया में किसी भी नेता को देख लीजिए जो अपने प्रयोगात्मक अपने जीवन को ही एक प्रयोग बना देता है और पब्लिक प्राइवेट में नहीं रहता है, पब्लिक प्राइवेट वो अपना जीवन पब्लिक के लिए समर्पित है, और इस समर्पण के लिए ही शायद वह इतने पॉपुलर थे। एक दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि राम राज्य की कल्पना भी गांधी में थी, उसको लेके लेफ्ट ने बहुत उनकी क्रिटिक भी हुआ है, लेकिन गांधी का राम राज्य बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि राम राज्य में सब स्वचालित, स्वराज स्वचालित, तो राम राज्य स्वचालित है, हर इंडिविजुअल अपने को अनुशासित रख रहा है, इसलिए न पुलिस की जरूरत है और न आर्मी की जरूरत है। तो इसलिए राम राज्य जो है तो भारत का जो उनका उनका सपना था वो राम राज्य का इसलिए था कि सब अपना काम करेंगे और दूसरे के दखल नहीं देंगे, हम दूसरे के थ्रू अपने को प्रतिपादित नहीं करेंगे, जो आजकल अक्सर हुआ करता है कि हम कहते हैं अरे वो लोग तो ऐसा करते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। अरे वो लोग कौन है, हम जो करेंगे, अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं हम वो करके दिखाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये गांधी ने हमेशा इसको लगा अपने जीवन में अपनाया, और उनके जितने लोग उनके साथ थे उन पर भी वे बड़ा अनुशासन लगाते थे कि आपने भी कहा, मिथिलेश जी ने कहा कि वो चाहते थे कि सब लोग अनुशासित रहें, जो उन्होंने एक बारी कहा था हिमालयन ब्लंडर, फिर उन्होंने बाद में नॉन कोऑपरेशन को वापस ले लिया था, तो उन्होंने अपनी गलतियां मानी, उन्होंने कहा सब सत्याग्रही नहीं थे और जो सत्याग्रही नहीं होंगे उनको मैं अपने साथ नहीं रख सकता, मैं सत्याग्रही ही होऊंगा। और दूसरी बात थी कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कभी दुश्मनी का भाव नहीं करा,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे राष्ट्रवाद में कि अंग्रेज के साथ आप क्रिटिक कर रहे हैं, उनके कानून को आप क्रिटिक कर रहे हैं, उनके और उनको क्या कह रहे हैं, आप अपने मूल्यों पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप देखें गांधी क्या कहते हैं अंग्रेजों के कि आपने तो लिबरल समाज बनाया है, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आप सबको बराबर मानते हैं, आप मानवता ह्यूमनिज्म पर बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों को आप मानववाद से अलग रखते हैं, आप उनको सिटीजन नहीं मानते। हम सिटीजन नहीं थे जब तक कि कानून, जब तक कि हम स्वतंत्र नहीं हुए, हमको सिटीजन नहीं बनाया, लिबरल थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों का अपने विरोधाभास को उन्होंने दिखा के उनको उनको भी कहा कि आप अपने विचारों पर अमल कीजिए। इतना ही वो कहते थे, वो नहीं कहते कि आप हमारे दुश्मन हैं, आप निकल जाइए, हम आपको मार के निकाल देंगे। वो कहते थे आप अपने विचारों को देखिए, आप अपने विचारों पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक नैतिकता का इम्पोर्टेंस है, ये बहुत जरूरी है। दो बातें और कहूंगी, मुझे बहुत दिनों बाद में रिटायर हो चुकी हूँ, बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए शायद ज्यादा बोल रही। टीचर तो टीचर रहता है, वो बोलते ही रहता है। मेरे हस्बैंड से आप पूछिए क्या कहते हैं। एनीहाउ, दो बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि गांधी के इस विषय पर अक्सर जब लोग उनके नैतिकता पर बात करते हैं कि अकाउंट्स का जो हिसाब था, गांधी जो थे, मैंने आपको कहा वो पब्लिक पब्लिक डीलिंग वाले थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चार आना 25 पैसा, उसको पहले चार आना ही कहते थे, चार आना की मेंबरशिप बनाई। आप ये याद रखिए, हर आंदोलन के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? चार आने से, और हथकरघा से आएगा। आप जो बनाएंगे, जो सूत बनाएंगे, जो सूत काटेंगे, उससे बनाएंगे। तो सूत काटने की जो एक प्रक्रिया है, उससे आप समझते हैं कि लेबर क्या है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं कुछ ओहदे पर पहुंच जाता हूं, मैं काम करना छोड़ देता हूं। हाथ से काम करना, बस मस्तिष्क सबका बहुत चलता है, लेकिन हाथ से काम करना, मजदूर को इज्जत देना, ये हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो ये जो मजदूरी पर, अपनी मजदूरी पर गर्व करना, हाथ काट के कर हथकरघा से सूत काट के आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कांग्रेस को या राष्ट्रवाद के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे अमूल्य जो है, जो आज की तारीख में बहुत अनिवार्य है, अकाउंटिंग फॉर फंड्स, पब्लिक फंड्स। यू एवरी ईयर यू हैड टू शो हाउ मच द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड गॉट, हाउ मच इट हैड स्पेंट, वेयर एंड व्हाट इट हैड स्पेंट ऑन, देन ओनली वाज इट करेक्ट। यू कैन नो, यू कुड नॉट कलेक्ट पार्टी फंड्स द वे इंडियन पार्टीज डू टुडे, ऑल क्वाइट, वी डोंट नो। और सब पार्टी सम्मिलित है इसमें, एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन कोई पार्टी अपने अकाउंट्स हमको दिखाती है, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें कोई अनैतिक बात है कि नहीं है। गांधी बहुत नैतिकता के पर जब जोर देते थे, तो ये भी एक उनका, और ये एक नई बात थी भारतवर्ष में, क्योंकि उस समय इस तरह के पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक खर्चे नहीं होते थे। कांग्रेस को उन्होंने उस तरह से उत्तरदायी बनाया, उन्होंने कहा जो भी होगा, जो भी कांग्रेस का प्रभारी होगा, उसको फंड्स का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। आज की तारीख में आई डोंट नो कौन सी पार्टी में ऐसा होता है, मैं आपको कोई भी नहीं है। तो नैतिकता की आवश्यकता है राजनीति में, और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एक आखिरी बात ये भी है कि गांधी को लोग बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने एक इंडिविजुअलिस्ट, और सत्य जो उनका है बड़ा कठिन, ये मिथिलेश जी ने भी कहा कि सत्य आसान नहीं है। गांधी ने जब एक मैंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी करीब 20 पढ़े थे, कई सौ है, तो मैंने अपनी रिसर्च के लिए उतने ही पढ़े थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि कोई धर्म, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपको
आपका मार्ग निर्देशन कर सकती है। आपकी अपनी कॉन्शियंस ही वही है जो आपका मार्ग निर्देशन करती है। कोई ऐसा उन्होंने कोई धार्मिक व्यवस्था पर को आधार नहीं बनाया। ये बहुत सोचने का विषय है कि जब हम सोचते हैं कि जो धर्म जो धार्मिक है वो सही है। गांधी ने उस पर सवाल उठाया और वो जो सवाल था वो बहुत मूलभूत है, क्योंकि आज के समाज में हम लोगों को कई नए नए ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमको अपनी आत्मा पर ही निर्धारित रहते हैं। हम लोग उनको एक नैतिक और एथिकल मूल्य के आधार पे कर सकते हैं और वही जरूरी है। तो गांधी ने उन्होंने कहा, वो बाइबल का भी पढ़ते थे, वो बाकी सब धर्मों को पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने किसी एक धर्म या किसी एक लीडर को, बल्कि उस समय शायद कोई शंकराचार्य की बात थी तो उन्होंने शंकराचार्य जी के ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहा देखिए मैं शंकराचार्य ने मैं अपनी मानवता की कसौटी पर इस सवाल का जवाब। तो हर आदमी अपने लिए उत्तरदायी है अपनी नैतिकता के लिए। ये बहुत जरूरी है आज के समझना कि हम सबको नैतिक बनना है तभी राम राज्य है। अगर हम दूसरे, अरे दूसरा ऐसा कर रहा है, हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप दूसरे का नाम मत लीजिए, आप अपनी नैतिकता देखिए कहां पर है। तो उस मानवतावादी जो एक राजनीति की पहल करी थी गांधी ने, वही मंडेला ने रिकॉग्नाइज करी, वही मार्टिन लूथर किंग ने करी और बाद में वो बाकी बहुत सारे लोगों ने उनको इसीलिए मान्य किया क्योंकि उन्होंने देखा कि नैतिकता एक पॉलिटिकल एथिक्स, एक एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स जो गांधी ने निर्धारित करी, वही हमको आज भी प्रेरित करता है और पूरे राष्ट्रों में और जगह, क्योंकि वो मानवतावादी मूल्यों पर आधारित है, उसका सत्य आग्रह पे चलता है न कि जबरन डंडे पर। और ये जो सत्य का आग्रह है इसका पर अमल करना ही एक हमारी नैतिकता है, यही इस समय की पुकार है। अगर ये हम कर पाए, हर इंसान अपने लिए अपना निर्धारित कर ले अपना सत्य। पोस्ट मॉडर्न युग में कोई ऐसा वन सत्य नहीं है, बहुत सारे सत्य हैं, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आई थिंक यही सबसे बड़ा गांधी का की देन है और यही नैतिकता का आधार है और यही हम लोगों को एक अनुशासित राष्ट्र बनाने में सक्षम होगी। तो आज भी हमको उन मूल्यों को का आह्वान करना है जो कि गांधी ने हमको दिखाया था। मैंने एक विषय पर नहीं बोला, स्त्री विमर्श पर, क्योंकि स्त्री विमर्श पर गांधी जी को बहुत क्रिटिक है, वो अलग कभी इस किसी विषय पर होगा, लेकिन नैतिकता के आधार पर यहीं पे मैं अब खत्म करती हूँ। बहुत लंबा बोल गई लेकिन भदौरिया जी नहीं थे इसलिए मैंने फायदा भी उठाया और आप लोगों के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से मुझको सुना। थैंक यू।